शैतान यीशु री परखणी करा। यीशु रा बपतिस्मा होने ले एकदम बाद ही पवित्र आत्मा तेस जो रेगिस्ताना मंज ले गया। यीशु तेती 40 दिहाड़े होर 40 रात था। तेस टाइम तिने उपवास कित्या होर शैतान ने यीशु वाले आई कने पाप कराने रे कठे तेसरी परखणी कीती। पहले शैतान ने यीशु कने बोलिया, अगर तू परमेश्वरा रा मठा ता इन पत्थरा जो रोटी बनाई दे ताकि तू खाई सके। पर यीशु शैतान कने बोलिया, परमेश्वर रे वचन मंज ये लिखिरा, जिंदा रहने रे कठे मानो जो सिर्फ रोटी री जरूरत नहीं पर तिना जो हर तेस गल्ला री जरूरत ही जो परमेश्वर तिना ले बोला। तेबे शैतान यीशु जो मंदरा रे सभी ले ऊंची चोटी पर ले गया। तिने तेस कने बोलिया, अगर तू परमेश्वरा रा मठा ता एथी ले हेठ छलांग मार, क्योंकि लिखिरा, परमेश्वरा तू जो चकने रे कठे अपने स्वर्गदूता जो हुक्म देना कि तेरे पैरा पर पत्थरा ले चोट नहीं लगे। पर यीशु से नहीं कित्या जो शैताने तेसले करने रे कठे बोलिया था। इत्ता रे बजाए तिने बोलिया, परमेश्वर हर एकी कने बोला, तू प्रभु अपने परमेश्वर री परखणी मत कर। फेरी शैताने तिस जो संसार रे सारे राज्य दसे, तिने तिस जो दस्या कि स्यों राज्य बहुत ताकतवर होर खुशहाल थे। तिने यीशु कने बोलिया, मां तुझे ये सब कुछ देना अगर तू घुटने एकी कने मेरी आराधना करे। यीशु जवाब दित्या, हे शैतान, मेरे वाले ले भगी जा, परमेश्वर रे वचन मंजा ले लोका जो हुक्म दिया सिर्फ अपने प्रभु यहोवा री आराधना करा, परमेश्वर रे रूपा मंज सिर्फ तेसरी ही इज्जत करा। यीशुए शैताना री परखणी ले हार नी मन्नी, इदी कठे शैतान तेस वाले ले भगी गया। तेबे स्वर्गदूत आई कने यीशु री सेवा करदे लगे। मती अध्याय 4:1-11, मरकुस 1:12-13, लुका 4:1-13 ले एक बाइबलारी कहानी।